आज हम जा रहे हैं आपको दिखाएंगे तीरथ एम्पल टेम्पल जो उबूद बाली की नॉर्थ में है। हड़बड़ाहट में तो मतलब ब्रेकफास्ट खाने निकले थे तो वहाँ से प्लान बनी तो कैमरा वगैरह कुछ नहीं लेके आए, मोबाइल दो थे, एक में आधा से भी ज़्यादा भी 40% चार्ज है, दूसरे में ज़्यादा है, तो वही लेके निकल गए क्योंकि मौका कब मिलेगा नहीं पता, ये मोमेंट ये दिन फिर कभी नहीं आएगी। ये लग रहा है कि पूजा की सामग्री है, दिस इज फॉर होली पूजा ओके फॉर द सेरेमनी राइट होली रिलीजियस सेरेमनी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं पृथ्वीजीत देवनाथ और मेरे चैनल कोई कोई तो यहाँ पे ऐसी स्कूटी चला रहे हैं उनके साइज स्कूटी से छोटी है, वो हैंडल के नीचे उसका सर जाता है ऐसे। अब हम जा रहे हैं 7 जुलाई को, मेरा छठा दिन है बाली में। बारिश हो रही थी सुबह बहुत ज्यादा, थोड़ा सा अरेंजमेंट करके हम निकल पड़े। हैंडीक्राफ्ट्स देखिए कैसे तरह तरह की चीजें हैंडीक्राफ्ट्स। ये जो मंदिर है तीर्थ एम्पल, इसका मीनिंग है होली स्प्रिंग, मतलब वाटर जो नीचे से आ रहा है। ये उबूद से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर नॉर्थ में है, जाने में रफली 30 मिनट्स लगता है प्राइवेट कार। काफी नीचे जा रहे हैं पहाड़ के, चारों तरफ हजारों रिसोर्ट्स, होम स्टे, एयरबीएनबी, होटल्स, कल्चर ही बन चुका है यहाँ का और प्रोफेशन। पाली में 5 टॉप टेम्पल के मोस्ट सेक्रेड टेम्पल में से एक है, भगवान इंद्र के ऊपर। बाली के हिंदू कम्युनिटी इनको होलीएस्ट 5 टेम्पल में से एक मानते हैं। टिकट है 50,000 इंडोनेशियन रुपया जो रफली 206 Okay. ये टेम्पल एक गांव में है, इसका नाम है मनुकाया और टंपक सिरिन टाउन के नजदीक में। इट इज एंट्री टू द टेम्पल। ओके एक अजीब सा फल कुछ हमें मिला यहाँ पे कोर्टियर्ड में जो मैं हमें दूसरा कोई जगह दिखा। ये एकदम छोटा सा है और ये इसका अंदर की चीज है। एनीवे टिकट लेके अंदर जाने के बाद आपको एक पॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे कई सारे कोई मछली है। ये मेन मंदिर के बाहर के एरिया है, मंदिर बहुत बड़ा एरिया जुड़ के है। এটা যদি ডুরিয়ান হতো এই জায়গাটা গন্ধে ম ম করতে হবে। হোলি স্প্রিং টেম্পল আর ইয়ে ইসকে জাস্ট উপর মে লেফট সাইড মে আব বহুত হি বিউটিফুল এক প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস হ্যায় জো বালি কা পহলা প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস হ্যায়। প্রেসিডেন্ট সুকার্নো 1957 মে বানায়ে থে আর ইয়ে টেম্পল বানা থা উসকে বহুত পহলে। यहाँ पे जाने के लिए आपको एक सारोंग पहनना पड़ेगा, आपको जो दिखाई दे रहा है, और एक सैश कमर के चारों तरफ एक सैश लगाना पड़ेगा, मेनली मेल्स वो पहनते हैं। वी हैव नॉट वन मोर, थैंक यू आई हैव अम्ब्रेला होली वाटर। ये जो एरिया देख रहे हैं आप ये टेंपल का आउटर कोर्टयार्ड है, इसका राइट साइड में नो Not allowed putting changes plus yeah. एक changing area है जहाँ पे बारिश फिर से start हो गया, बहुत आवाज़ हो रहा है, audio खराब लगे। Anyway, right side में वो जो दिखाई दे रहा है एक changing area है,
प्राइवेसी ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा दिक्कत होगी, और बाकी गेस्टों का भीगा हुआ कपड़े आपको दिए जाएंगे, उतना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से एंट्री लेते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। अब देखिए सारोंग का कंडीशन थोड़ा सा यूज्ड है, शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। एनीवे अब हम सेकंड पार्ट में जा रहे हैं, जो मेन जगह है ऊपर जावा जाएगा। ये ऊपर में प्रेसिडेंट का पैलेस है और ये एक द्वारपाल आपको दिखेगा दोनों साइड में, जो कि एक कला कार्विंग्स बोल के इनको ये स्पेशलिटी है इसका। एनीवे अंदर आने के बाद ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे लगभग 30 वाटर स्पाउट्स है, 30 जगह से पानी बाहर आ रहा है। आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है वो द्वारपाल के साइड से, और आप राइट तक जाएंगे एक एक को ख़त्म करके। पहला पोर्शन में 15 है, राइट साइड में और 15 है। मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन यहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब आ सकते हैं लेकिन नहाना अलाउड नहीं है। और सारंग डेफिनेट, ये बाहर का सारंग नहीं, अंदर का और एक सारंग स्पेशल। यहाँ पे आप नहाएंगे तो हिंदू कम्युनिटी बिलीव करते हैं कि उनका पुराना जो पाप सिंस जो है सब धो जाएंगे, आप प्योर हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ प्योरिफिकेशन रिचुअल। इसका पीछे भी एक कहानी है कि पुरा काल में माया दानव बोल के एक राक्षस यहाँ पे, एक राजा यहाँ पे रहता था, तो उनके साथ देवराज इंद्र की लड़ाई हुई। आइए बारिशों का मौसम है, डोंट थ्रो कॉइन इन द वाटर। हमारे एक मैंने प्रचुर पैसा फैला है, অবশ্য এটা ইউরোপেও হয় আর ইস্টেও হয়। ভিক্ষু আমাদের জানাচ্ছেন ये जो वाटर प्यूरिफाइंग सेरेमनी है, इसको हम इसको मेलुकात कहा जाता है। तो मेलुकात का जो 30 वाटर स्पाउट्स है, उसमें से 2 है डेड लोगों के लिए और बाकी 28 जो है वो लिविंग पीपल्स के लिए, वो वहाँ पे बेदिंग कर सकते हैं, नहा सकते हैं। दान पुण्य डोनेशन, देखिए इंडियन की वर्ड्स के साथ कितना मिलता जुलता है। अच्छा, अभी हम आ गए एकदम अंदर की पोर्शन में, इसका नाम है जेरोअल। यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटेड हिंदू टेम्पल्स है जहाँ पे लोग प्रेइंग करने आते हैं एंड कुछ पोर्शंस में लोग रहते हैं। ये ऊपर में देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है प्रेसिडेंशियल पैलेस। एनीवे नीचे की इस एरिया में बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स हैं जहाँ पे ओकेशंस में, जैसे बर्थ एनिवर्सरी, मैरिज ब्लेसिंग्स, डेथ एनिवर्सरी, सब टाइम पे लोकल्स आके प्रे करते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं भगवान से, क्योंकि यहाँ पे 5 भगवान की श्राइन्स है। विष्णु से वो मेन गॉड है यहाँ का, उसके अलावा देवराज इंद्र, शिवा, माउंट बटूर, ये गॉड्स भी यहाँ पे, उनका श्राइन्स यहाँ पे है। कुछ पोर्शंस आप जा नहीं सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड है, जो खुद प्रे कर रहे हैं उन लोग ही जा सकते हैं। दिस एरिया इज फॉर प्रेइंग ओनली। और डिजाइंस बहुत इंट्रिकेट है, डिटेल्ड है। अब निकलने की बारी आ गई, थोड़ा सा हिस्ट्री और बता देते हैं कि ये जो मंदिर है, ये 926 एनाटोमी एडी में ये बनाया गया था, और ये एक मैनुस्क्रिप्ट उसाना बाली जिसमें क्रिएशन ऑफ तीर्थ एम्पल के बारे में बताया गया था, उसके बारे में कहानी है, उसके ऊपर उसके आधार पे ही ये मंदिर बनाया था। तो वो जो राक्षस माया दानव यहाँ से भाग के चले गए नॉर्थ में, टंपक सरिंग जो इसके नज़दीक का जो टाउन है वहाँ पे, और वो यहाँ पे पॉइजनिंग करने का कोशिश किए थे। तो देवराज इंद्र, भटारा इंद्र ने यहाँ पे ग्राउंड में अपने हाथ के दंड से एक आघात की और प्योर वाटर यहाँ पे आ गए, तो उनके जो सैन्य थे, उनके जो आर्मी थे, वो फिर से जाग गए, अलाइव हो गए,
जो मर गए थे वो दानव के अटैक से। इस तरफ ड्रेस चेंज करके आते हैं, तो यही इसका है महत्व। और अब हमारे निकलने की बारी आ जाती है। वो निकलने का जो रास्ता है वो बहुत सारे सुवेनिर शॉप के अंदर से है, ये बगीचा के बाद। तो हम चलते हैं सुवेनिर शॉप के अंदर। ये बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे लगभग 10 मिनट आपको जाएगा। मंडलोरियन ने ये बनी दिए थे एकाने। ये मुखोश टाइप है, जिन्हें स्टार वार्स से द मंडलोरियन कैरेक्टर है मुखोश। ऐसे बहुत सारे चीजें यहाँ पे दिखाई देगी और वो लोग बार्गेन भी करेंगे। तो ये था हमारा तीर्थ टेम्पल की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। और देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाली की एक अलग जगह की स्टोरी लेके हम आएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार रहेगा। गुड बाय।